राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में कॉलेज के सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों और संस्था स्काई के साथ नए छात्रों और उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। समारोह में छात्रों और उनके माता पिता को संस्था के साथ परिचित करवाया गया तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गयी। राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में आज कॉलेज के सभागार में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों और संस्था स्काई के साथ नए छात्रों के साथ उनके अभिभावकों ने भी भाग लिया। समारोह में छात्रों और उनके माता पिता को संस्था के साथ परिचित करवाया गया तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल चौहान ने छात्रों और अभिभावकों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि नव प्रवेशित छात्र सक्षम डॉक्टर के रूप में विकसित हो। उन्होंने कहा कि छात्रों को समय का पाबंद, अनुशासित व अपने शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। साथ ही उनका व्यवहार विनम्र होना चाहिए और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी की सदस्य सचिव प्रियंका तांगरी, बायोकेमिस्ट्री विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर ने रैगिंग पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि इस संस्थान में किसी भी रूप में रैगिंग के लिए शून्य सहिष्णुता है। उन्होंने संकाय और नव प्रवेशित छात्रों और उनके माता पिता को रैगिंग के खिलाफ प्रतिज्ञा भी दिलाई। फिजियोलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर बताया कि मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने नए मेडिकल छात्रों के लिए इस वर्ष एक महीने का एक लंबा फाउंडेशन कोर्स शुरू किया है ताकि उन्हें ये जानकारी दी जा सके कि वे अगले 4.5 वर्षों तक क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को अपने कौशल को विकसित करने के लिए अंतर व्यक्तित्व संबंध, अंग्रेजी, स्थानीय भाषा और समाज के सभी स्तरों के छात्रों के लिए एक स्तर का मैदान प्रदान करने के लिए तैयार है। संस्था में फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर और प्रमुख डॉक्टर रितु सिटिक की अध्यक्षता में एक यौन उत्पीड़न समिति का गठन किया गया। रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और हेड विभाग के डॉक्टर पी के सोनी ने मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताया जिसे जल्द ही संस्था शुरू करने जा रही है। छात्रों के प्रतिनिधियों स्वास्थ्य और के अपने अनुभव साझा किए। नव प्रवेशित बैच में से 2 छात्रों ने भी इस अवसर पर बात की। माता पिता शिक्षक संघ पीटीए के सदस्यों को चुनाव करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई जिसमे अंजू शर्मा अध्यक्ष, डॉक्टर मदन लाल सचिव, डॉक्टर कुसुम शर्मा संयुक्त सचिव सदस्य के रूप में तारा सिंह, अरुण राणा तथा संजय राणा को सर्वसम्मति से पदाधिकारियों के रूप में चुना गया। कार्यक्रम के अंत में प्रोफेसर और शारीरिक विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर आर एस शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।